सेनपा गांव के पास एक खेत से पुलिस ने 40 पेटी अवैध शराब की जब्त। बरामद शराब की कीमत 1,80,000 रुपये। सागर जिले की राहतगढ़ थाना पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है, जिसमें पुलिस ने 40 पेटी अवैध देसी शराब जब्त की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मामला राहतगढ़ थाना इलाके के सेनपा गांव का है, जहां पर आज पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि विदिशा एरिया से एक फोर व्हीलर गाड़ी से अवैध शराब भरकर लाई जा रही है, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपी शराब की पेटियां खेत में छोड़कर गाड़ी लेकर भाग गए, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और गाड़ी के नंबर के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। साथ ही पुलिस का कहना है कि जब्त शराब की कीमत 1,80,000 रुपये है और अवैध शराब लाने वाली गाड़ी ट्रेस कर ली गई है, जिसके आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। इसमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि सागर जिले की सीमावर्ती थाना राहतगढ़ के सीमावर्ती जिला विदिशा की ओर से एक फोर व्हीलर में अवैध शराब परिवहन हो रही है, तो उसकी मुखबिर सूचना पर पुलिस की एक दबिश टीम राहतगढ़ थाने से भेजी गई थी और पुलिस की दबिश टीम द्वारा 40 पेटी अवैध शराब पकड़ी गई है और इसमें देसी शराब है ये, और ये विदिशा जिले की होना इसमें सर कितनी कीमत है क्या बता जाना? ये करीब 1,80,000 कीमत है इसकी। आरोपी वगैरह? हाँ, अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इस इन्वेस्टिगेशन में अभी आरोपियों का पूरा खुलासा भी नहीं हो सका है। गाड़ी वगैरह जब्त हुई? हाँ, नहीं, वाहन वहाँ से अनलोड करके वाहन वहाँ से मतलब वाहन नहीं मिल सका है, लेकिन वाहन का नंबर मिल गया है और शीघ्र ही पुलिस आरोपियों तक पहुँच के और कार्रवाई करेगी।